टीवी इंडस्ट्री में कई कपल्स इतने मशहूर हुए हैं कि अरसों तक टीवी स्क्रीन्स पर साथ नहीं दिखने के बाद भी फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए बेचैन रहते हैं। टीवी एक्टर कृतिका कामरा और करण कुंद्रा का ब्रेकअप होने के बाद भी फैंस दोनों को साथ देखने की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन कृतिका के चौंकाने वाले हालिया बयान से लग रहा है कि फैंस का ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। दरअसल ईरा दुबे के चैट शो में करण वाही सिंह पहुंची कृतिका कामरा ने एक सवाल के जवाब में एक्स बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के बारे में कहा कि वह उसे जान से मार देना चाहती है। चैट शो के दौरान जब कृतिका से पूछा गया कि वह किसके साथ शादी करना चाहते हैं, किसके साथ अफेयर करना चाहती है और किसे मारना चाहती है, ऑप्शन में तीन नाम दिए गए, करण जौहर, करण कुंद्रा और करण वाही। कृतिका ने साफ कहा कि वह करण कुंद्रा को मारना चाहती है, करण वाही संग अफेयर करना चाहती है और करण जौहर के साथ शादी रचाना चाहती है ताकि उनके बच्चों रूही और यश की देखरेख कर सके। ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब किसी एक्ट्रेस ने करण जौहर से शादी करने की बात कही है। अब करण जौहर का इस पर क्या रिएक्शन रहता है ये जानना मज़ेदार होगा। बात करें कृतिका के करण कुंद्रा को जान से मारने वाले बयान पर, तो इस जोड़ी में ब्रेकअप के बाद ऐसी कोई तनातनी नहीं रही। यहाँ तक कि कृतिका ने एक बयान में कहा भी था कि उन्हें करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड अनुषा दंडेकर बेहद पसंद है, वह अनुष्का के साथ हैंगआउट करती है, उन्हें अनुष्का का फन लविंग गर्ल वाला नेचर बेहद पसंद है। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।